नमस्कार, वेलकम टू कॉमन इंडियन वॉइस। आजकल हम लोग बहुत सारी उथल पुथल में से निकल रहे हैं, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है। और दो तीन दिन से जो चीज हमको बहुत परेशान कर रहा है वो है बंगाल में जो हुआ, बीरभूम डिस्ट्रिक्ट में जो जिंदा लोगों को जला दिया गया, मतलब इतना विभत्स है कि हॉरिफाइंग, एक्सप्लेन भी नहीं कर सकते कि वो बॉडीज देख के। मैंने तो जहां तक हो सका ना वो वीडियो को स्किप की, नहीं एक बार पहली बार देखा मैंने, क्या है देखूं तो क्या है, देख के इतना शॉक में गई। और फिर सवाल हमारे सामने ये आता है कि इंसान इंसान के साथ आज भी ये कर सकता है क्या, और क्यों करता है, क्या मिलता है, वो एक चीज हम डिस्कस करेंगे। और दूसरी चीज कश्मीर फाइल्स, आज हमारे इंडिया में लोगों ने अपने अपने ऊपर ले लिया है, सबने मिलके मूवी को प्रमोट किया, मगर आज एक नेता खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं ये झूठी मूवी, आप वोट बैंक के लिए क्या कर रहे हैं। इसी के बारे में, इसी विषय में बात करने के लिए आज हमारे साथ अनुपमा पांडे जी हैं। नमस्कार अनुपमा जी। एंड समीर हमारा अपना, नमस्ते समीर। नमस्ते। आई नो इट्स नथिंग टू स्माइल, बट आई वुड लाइक अनुपमा टू स्टार्ट। अनुपमा, दोनों घटना बहुत परेशान कर दिया है, दोनों घटनाओं ने। जी दी, जैसा कि मैं आपसे अभी थोड़ी देर पहले बात कर चुकी हूँ कि दो तीन दिनों से मन भरा हुआ है और ऐसी घटना जो शायद मानवता के इतिहास में, जैसे गोधरा कांड हुआ था, मुझे उसकी याद आ गई कि एक बंद डिब्बे को मिट्टी का तेल, केरोसिन और पेट्रोल डाल करके बाहर से जला दिया जाए और उसमें निहत्थे मासूम लोग हो जिनकी कोई गलती ना हो, उस तरह की घटना यहाँ बीरभूम में फिर से दोहराई गई है। जो लोग सो रहे थे घरों में, पहले उनके घरों पे पत्थर मारे गए कि वो लोग जाग रहे हैं कि नहीं जाग रहे हैं देखने के लिए, और जब उन्हें यकीन हो, जाग रहे नहीं मतलब उनकी उपस्थिति है घर में है या नहीं है, और जब उन्हें ये कंफर्म हो गया कि हाँ उसमें लोग हैं, तब बाहर से उनके घरों को ताले लगा दिए गए, दरवाजों को, और फिर उन्हें उनके घरों को जला दिया गया, और उसके अंदर जो भी महिलाएं बच्चे थे जिंदा जल गए। एक जरा सी आग गैस की भी टच हो जाती है तो जो पीड़ा होती है उसका अनुभव हम सभी को होगा, चाहे महिलाएं हो या पुरुष हो, लेकिन जिंदा जलना ये एक ऐसी असहनीय पीड़ा है, अमानवीय, ऐसा कोई सोच भी कैसे सकता है कि इस तरह की पनिशमेंट, इस तरह का मतलब उन्हें मजा चखाया जाए कि दोबारा हमारे खिलाफ कोई खड़े होने की हिम्मत ना करे, कोई बगावत ना करे। और इस तरह की राजनीति से प्रेरित जो घटनाएं हैं वो मानवता के मुंह पे शर्मसार करने वाली हैं। और साथ में मैं ये भी कहूंगी कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले आज चुप क्यों बैठे हुए। जब संविधान खतरे में आ जाता है छोटी सी घटना को लेकर के, हाथरस की घटना हो, लखीमपुर की घटना हो, तो कहते हैं ना राजनीतिक टूरिस्ट जो है वो गिद्ध बन करके महाभोज खाने के लिए वहां पे पहुंचते हैं, और नहीं अगर रोक दिया जाए तो हमें रोका गया। आज बीरभूम जाने से उन्हें कौन रोक रहा है, कोई रोक रहा है, या उनकी हिम्मत नहीं है, या कहने की क्षमता नहीं है, या जीभ पे ताले पड़ गए हैं। मैं बहुत आक्रोशित हूँ और अभी मैं चुप होना चाहूंगी। अनु, एक ऐड करना चाहती हूँ, पोस्टमार्टम का जो रिपोर्ट आया है उसमें पता चला है कि पहले इन लोगों को मारा पीटा गया था। अच्छा, जलाने से पहले, मैंने, हाँ मैंने जहां तक मैंने पढ़ा है इनको पहले मारा गया था और उसके बाद बंद करके उसके बाद उनको पेट्रोल बॉम्ब घरों में फेंका गया था ताकि घर जले। तो मतलब उस वो जब हम देखते हैं ना, जब वो बात पता चला तो वो तो और भी भयंकर है, भयानक हुआ है। और मतलब सीरियसली कश्मीर फाइल्स देख के
मन ऑलरेडी भरा हुआ था। उसके बाद ये देख के ना एक्चुअली गुस्सा बहुत ज्यादा है। समीर बहुत ज्यादा है। या समीर आप क्या कहना चाहोगे? ईशा दी, ये सारी ऑल दीज इंसिडेंट्स ना बहुत डिस्टर्बिंग होते हैं, और जैसे हम जानते हैं कि वेस्ट बंगाल की राजनीति हमेशा बहुत ही वायलेंट रही है बरसों से, आप मेरे से ज़्यादा शायद जानती होंगी। पहले कांग्रेस और मार्क्स सीपीआई के बीच में बहुत वायलेंट दंगे हुआ करते थे, उसके बाद फिर तृणमूल आ गया, और अब तृणमूल और बीजेपी के भी बेसिकली जो ऑपोजिशन में होता है वो दे आर एट द रिसीविंग एंड। बट मेरे हिसाब से तृणमूल हैज टेकन दिस बारबेरिज्म टू अ वेरी अलार्मिंग लेवल। ऐसा भी हो सकता है कि सोशल मीडिया की वजह से लोग ज़्यादा जागरूक हो गए, पुराने जमाने में ऐसी इंसिडेंट्स हुई होगी, आई होप नॉट, बट कवर अप हुई होंगी, विभत्स हुआ है, बहुत भयंकर से। ईशा जी इसमें ना राजनीति तो मतलब जैसे आपने और अनु जी ने कहा कि ऑपोजिशन की आवाज दब गई है बिल्कुल, जो अदरवाइज बहुत चिल्लाते हैं कहीं बीजेपी रूल स्टेट में कुछ हुआ, तो वो कह चुकी है, बट आई वॉन्ट टू टेक इट टू अनदर डिस्कशन। 2016-17 के आसपास मैंने एक ट्वीट किया था कि आप वेस्ट बंगाल का नक्शा देखेंगे, बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल का जो बॉर्डर नक्शा है, और 2011 का सेंसस आप ले लीजिए, उस समय डिस्ट्रिक्ट वाइज डेमोग्राफिक्स दिए हुए हैं हमने पॉपुलेशन बाय रिलीजन, और जैसे आप देख सकते हैं मालदा, मुर्शिदाबाद, नॉर्थ दिनाजपुर, उत्तर दिनाजपुर जो हम कहते हैं, बीरभूम, फिर वो आपके कलकत्ता के पास वो कौन सा 24 परगनाज ना, वो शायद वो मे बी करेक्ट माई ज्योग्राफी शादी, बट जो 24 परगनाज, ये सारे डिस्ट्रिक्ट्स उस समय की बात है, दे वर ऑलरेडी इन द एक्सेस ऑफ 35। मालदा मुर्शिदाबाद हैड ऑफ कोर्स रीच्ड अ डिफरेंट लेवल ऑफ 67-65% पॉपुलेशन ऑफ अ सर्टेन कम्युनिटी, और जैसे आप बॉर्डर से दूर चले जाते हैं तो दी डेमोग्राफिक वाज मोर इन प्रोपोर्शन विद द नेशनल एवरेजेस। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि ये जो पॉपुलेशन क्यों हो रहा है वो ऑर्गेनिक ग्रोथ नहीं है। यदि ऑर्गेनिकली कोई पॉपुलेशन ग्रो होता है तो वी कैन परहैप्स अंडरस्टैंड इट, बिकॉज दीज आर दिस इज इंडियन पॉपुलेशन विच सम सेक्शंस आर ग्रोइंग फास्टर देन द अदर, बट ये सारे इन्फिल्ट्रेटर्स है। बिल्कुल एकदम। और इसमें 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 खतरा कहां है? अब जो ये कांड हुआ है, या इसके पहले हमने देखा असम में कांड हुआ, या कुछ होते हैं क्राइम्स होते हैं, इन लोगों को क्राइम करके फिर से बॉर्डर पार करके चले जाते हैं वो लोग, कौन पकड़ेगा इनको? अकाउंटेबिलिटी कहां रह गई? बिकॉज ऑफ द पोरस बॉर्डर एंड वट एवर इज हैपनिंग द इन्फिल्ट्रेशन, क्राइम्स तो बहुत लॉजिकल है, और जब इनको पता ही है कि ऐसा कुछ करने, एक तो पॉलिटिकल पेट्रनेज है, अब ये जो बीरभूम का जो अनफॉर्चुनेट हॉरिफिक इंसिडेंट हुआ है वो कोई कश्मीर के 1990 का जो इंसिडेंट्स हुए या जो हमने नादी मर्ग मैसेकर देखा है उससे कम नहीं है, इट इज इक्वली बारबेरिक। इस समय हमने कहा था कि वेस्ट बंगाल और केरला कश्मीर के रास्ते चल रहे हैं, इफ इट इज नॉट चेक सून, और स्टेट्स जो वहां के स्टेट लीडरशिप है वो अपनी चेयर और अपने पॉलिटिकल करियर को बचाने के लिए दे आर अलाउइंग दीज थिंग्स टू हैपन। अब सवाल ये उठता है कि सेंटर कब जागेगा,
मुझे तो गवर्नर साहब को देख के रोना आता है। शायद लोग मुझे कहेंगे क्या कह रहे हो, बट फैक्ट इज अ फैक्ट। हम भक्त तो हैं मोदी के, लेकिन जो सच है वो तो कहेंगे। ऐसे स्टेट में जहां पे वहां की सीएम किसी की बात नहीं सुनती है और शी सो मतलब एरोगेंट, यू नीडेड अ पावरफुल गवर्नर आउट देयर यार। मतलब वो गवर्नर ऐसे हताश होके मतलब बिल्कुल करके, तो वो मैसेजिंग भी ठीक नहीं है। ऐसे क्राइम्स मतलब ये पॉलिटिकल क्राइम्स है ये सारे, दीज आर नॉट रूटीन क्राइम्स, दीज आर पॉलिटिकल क्राइम्स एंड द पीपल आर गेटिंग अवे विद इट बिकॉज दे नो दैट दे हैव द बैकिंग ऑफ पावरफुल स्टेट लीडर्स। अब ममता जी ने वहां पे जाके लिप सर्विस करके आ गई हूँ, जैसे तालिबान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है वैसे ममता डिड प्रेस कॉन्फ्रेंस, सारे पाप धुल गए। एक चीज मैं बोलूं, हाँ सॉरी प्लीज कंटिन्यू। आप बोलिए, मतलब इस पे हम बोलते जाएंगे, इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग टर्न ऑफ इवेंट्स। एग्जैक्टली, आज मैंने एक आंसर देते हुए मैंने एक को दिया, तो उसमें अधीरंजन, एक्चुअली आई रिप्लाइड टू हिम, वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। आई सेड आपको कोई मॉरल राइट नहीं है कुछ बोलने का, क्योंकि आपने टैसिट अंडरस्टैंडिंग करके आपने वॉक ओवर दिया था, आप लड़े नहीं इलेक्शन में, और जिसके वजह से क्या हुआ, जैसे यूपी में हमने देखा पोलराइजेशन हो गया था, टोटल बाइपोलर हुआ इलेक्शन, सेम थिंग बंगाल में हुआ था। एंड बंगाल में एक और चीज है, मतलब ये तो डिनाइल में रहते हैं, डिनाई करते रहते हैं, मगर ये इंफिल्ट्रेशन इतना हो गया है कि वोट बैंक के वजह से उन लोगों को फेक वोट कार्ड आईडी, वोटर आईडी कार्ड देना, रिगिंग, मारपीट, खून खराबा, धमकाना, ये तो कॉमन हो गया है। एंड यस, आज मुझे भी लग रहा है, देखिए आज मतलब एक लिमिट तक सब कुछ ठीक है, मगर हाँ सामने वो आ जाता है कि सुप्रीम कोर्ट इन द एंड क्या करेगा। अब हर किसी को मुझे लगता है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो, स्टेट गवर्नमेंट को तो कुछ बोलने का ये ही नहीं है। आपने जैसे बोला है ना समीर, हम लोग इतने ज्यादा अकस्टम्ड है ये बॉम्ब कल्चर से। आई रिमेम्बर एक दिन स्कूल के लिए दरवाजा खोला, घर से थोड़ा दूर साइड में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, देखा हम लोग खड़े हो गए दरवाजे पे, जब वो धुआं खत्म हो गया हम लोग निकल के चले गए, वी जस्ट वेंट। हम लोगों को इतनी आदत पड़ गई थी। तो आज मैं बंगाल से बाहर हूं, मगर जो बंगाल में है उन लोगों को तो वही कंडीशन में रहने की आदत है, दे आर देयर। जी हाँ, आप 90s के नॉर्थ बंगाल जो सिलीगुड़ी वगैरह के एरियाज, और अभी देखिए सो मच चेंज दैट हैज टेकन प्लेस, यू नो इट पेन्स मी टू सी दिस। वी यूज्ड टू ट्रैवल देयर ऑन वर्क उन दिनों में, बट अब मैं जो सुनता हूँ मतलब इट इज शॉकिंग। एंड यू डोंट इवन नीड टू गो दैट फार। शायद मैं आप ही के चैनल पे एक बार कह चुका हूँ उसके पहले, आप कैलकटा से थोड़ा आगे चले जाओ ना, थोड़ा सा न्यू टाउन के थोड़ा आगे चले जाओ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, न्यू टाउन से आप थोड़ा सा आगे चले जाना, एक घंटा और सफर कर लो, विच इज बेरली वॉट 70-80 किलोमीटर्स फ्रॉम आउटस्कर्ट्स ऑफ कैलकटा, आप कह नहीं पाओगे कि आप इंडिया में हो या बांग्लादेश में हो। एब्सोल्युटली, और मेरा यहाँ पे आई मे कम अक्रॉस एज अ कम्युनल पर्सन, मगर मैं इफ आई एम रॉन्ग आप दोनों मुझे करेक्ट कीजिए, कि हमारा पार्टीशन किस लिए हुआ था। एब्सोल्युटली राइट। और अगर पार्टीशन के बाद आप लोग उन्हीं को लेके आएंगे और फिर से वही सिचुएशन कर देंगे, वही नोआखाली का राइट्स, वही बंगाल के राइट्स, वो वही बांग्लादेश में रेप मर्डर और घर जला डालना, क्या इसीलिए पार्टीशन हुआ था? जी दी, अभी सॉरी ये मुद्दे से थोड़ा हटके बात करूंगा, बट एक ही पॉइंट आपने सिंस ये मुद्दा उठाया है, जब धर्म के आधार पर देश का विभाजन हुआ था, आपको एक नहीं दो देश मिले थे, आपको मौका था कि आप उन देश में जाके अपने
शरीयत के हिसाब से, अपने धर्म के हिसाब से आप अपनी जिंदगी बिताओ, अपना जीवन बिताओ। जिनको करना था चले गए, लेकिन जो रह गए यहाँ पे, यदि आज 70 वर्ष बाद भी इफ यू वॉन्ट टू फॉलो पुट फेथ ओवर नेशन, देन दैट्स नॉट दैट यू नो, एंड वी शुड नॉट बी पुसी फुटिंग अबाउट दिस। एग्जैक्टली, आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड। पॉलिटिकली करेक्ट रहने का इच्छा नहीं होता। प्लस ये जारे सारे डिस्कशंस होते हैं ना, एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिसेस वगैरह वगैरह, वी आर ट्रेडिंग ऑन वेरी वेरी डेंजरस वाटर्स, बिकॉज टुमारो एवरी फेथ विल स्टार्ट पुटिंग देयर फेथ अबाउट द नेशन। वी आर अ हिंदू मेजोरिटी, बट आई विल स्टिल से दैट नेशन इज फर्स्ट, द कॉन्स्टिट्यूशन इज फर्स्ट, वी हैव टू लिव इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। वी आर डेमोक्रेटिक बिकॉज हिंदूज आर इन मेजोरिटी, दैट इज अ गिवन। गिवन, बट यू नो यू ब्रॉट अप अ वेरी वैलिड पॉइंट। ये थोड़ा इश्यू ये है ना ईशादी, दीज आर ऑल प्रॉक्सी वॉर्स बींग फॉट टू पुल डाउन अ मैन कॉल्ड मोदी हू स्टैंडिंग बिटवीन अस एंड द ऑपोजिशन। ये सारे प्रॉक्सी वॉर्स है, ये सारे प्रॉक्सी एजेंट्स है, जैसे वो आप देख रहे थे वो कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया वगैरह, ये सारे पेड, दीज आर ऑल स्पॉन्सर्ड agents who will do anything to bring disrupt law and order in the nation, you know. मुझे अचरज ये हो रहा है कि भाजपा ने जब विपक्ष में थी तब PFI पे बैन की मांग की थी, आज तो आप सत्ता में हो, कर दो बैन, कर दो। Absolutely. नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा अनु से है। अनु, आज वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ठहाके लगा के दिल्ली विधानसभा के अंदर सब हंस रहे हैं और चीफ मिनिस्टर बोलते हैं बड़े ये करके कि आपको तो पॉलिटिक्स के लिए भेजा गया था, आप मूवी का प्रोपगेशन या एडवर्टीजमेंट या व्हाटएवर वो क्यों कर रहे हैं और झूठी कहानी ये बोला गया। ये वो व्यक्ति बोल रहा है जो बहुत से मूवीज को टैक्स फ्री कर चुका है, ये वो व्यक्ति बोल रहा है जिसने मूवीज के बारे में ट्वीट्स पता नहीं कितने किए, ये दोगलापन पता नहीं कहाँ से लाते हैं, इसके बारे में आपको क्या कहना है? आज सुबह से दिमाग सही में आउट है। देखा जिस तरह से वो बोल रहे थे कि टैक्स फ्री कर दिया जाए, तो टैक्स फ्री क्यों कर दिया जाए, इसको यूट्यूब पे डाल दिया जाए और सारी जनता एक साथ देख ले, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मिमिक्री या कॉमेडी शो हो जिसको बस एक बार दिखा दिया जाए, बात खत्म, हंस लिए लोग, बस तालियां बजा ली, खत्म हो गए। क्या ये घटना सचमुच ऐसी थी? और उस पर जो पीछे एक महिला बैठी हुई है वो जिस ढंग से वो हंस रही थी, मुझे तो वो मोदी जी का याद आ गया कि ताड़का को हम बहुत ज्यादा मिस कर रहे थे, तो मुझे कुछ वैसा ही स्वरूप ऐसा दिखाई पड़ा। ताड़का, हाँ, मतलब ऐसा क्या मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि उस पर पीछे बैठी हुई उनकी जो सहयोगी है उनको इस तरह इतनी बुरी तरह से हंसना पड़ा? ये अमानवीय करने वाले जो कृत्य हैं, जब ये कैमरे में पकड़े जाते हैं और आम जनता के सामने आते हैं, तो हम पर क्या बीतती है? हम आज 32 साल बाद महसूस तो करते थे पीड़ा, दर्द, लेकिन जब वो एक फिल्म के रूप में, जो कि मतलब एक संदेश देने का इतना अच्छा माध्यम है, लोगों को जागरूक करने का, संदेश देने का, मानवता सिखाने का, असभ्यता से दूर रहने का, इतिहास बताने का, तो उस माध्यम को जिस तरह से इन्होंने हंसी उड़ाई है, ये दोनों लोग जो बैठे हुए थे और पूरी सभा ही उसमें तालियां बजा रही थी, इसमें सिर्फ दो लोगों के चेहरे सामने आए, एक तीन लोगों के, अन्यथा मतलब उसकी जो हमारे मनोवेग है, एक्चुअली उन्होंने उन पर नहीं हंसा है, कश्मीरी हिंदुओं विवेक अग्निहोत्री पर हंसा नहीं गया है, वो हम पर हंसा गया है, भारत की जो आम जनता है उसके जो उद्गार है
कश्मीरी हिंदुओं के प्रति, खासतौर से इस फिल्म को देख करके जो जागे हैं, स्पेशली जो नई पीढ़ी, नई जनरेशन है, जो 20 साल के बच्चे हैं, 18-20 साल के, जो अभी अभी जो बॉलीवुड के उससे स्तर से थोड़ा सा हट करके एक अलग मूवी देखने के लिए गए पहली बार, और उन्हें लगा कि मूवी इसे कहते हैं, जहां पे सच्चाई बताई जाए और एक ढंग से बताई जाए। हालांकि उस फिल्म में भी इतने कट लगाए गए हैं, बहुत कहते हैं ना कि उनके जो लेखक हैं, स्क्रिप्ट राइटर, उन्होंने कहा हमने सिर्फ 5% सच्चाई दिखाई है, ऐसी सच्चाइयां जिन्हें हम पर्दे पर दिखा ही नहीं सकते। अब आप इसकी मार्मिकता, इसकी गंभीरता, इसकी हृदय विदारकता को वहीं से समझ सकते हैं। और ऐसी संवेदनशील मूवी और ऐसे संवेदनशील विषय को जिस ढंग से दिल्ली के मुख्यमंत्री ने प्रस्तुत किया है सदन में, वो बहुत ही शर्मनाक है और बहुत ही ज्यादा चुभने वाला है। और धिक्कार है ऐसी जनता पर जिन्होंने ऐसे लोगों को चुन करके अपना प्रतिनिधि बनाया है, सिर्फ फ्री के लिए, उन्हें सिर्फ फ्री का चाहिए, अन्यथा उस आदमी में कोई सब्सटेंस नहीं है। मैं खुलकर बोल, कुछ भी एसेंस नहीं है, कुछ भी बौद्धिकता नहीं है, कुछ नहीं, फ्री फ्री फ्री। आप पंजाब देखो, पंजाब में क्या हुआ, फ्री के नाम पर ही तो इंसान जीत करके आया है। एक हमेशा एक तरह से कहते हैं ना कि वो नशे की हालत में रहने वाला व्यक्ति, उसको मुख्यमंत्री बनाया गया, क्या है, खुद निर्णय नहीं ले सकता, वो रिमोट वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया है। आप देखिए पंजाब की सीमाएं कहाँ से मिलती हैं और आने वाले भविष्य में उसके कितने दुष्परिणाम होंगे, ये पूरा भारत देखेगा। बिल्कुल, अभी जो किसान आंदोलन हुआ था उसके रिपरकशन से हम लोग मुक्त ही नहीं हुए थे कि ये घटना हो गई है और इसके बहुत दूरगामी परिणाम होने वाले हैं जो हम सबके सामने आएंगे, पूरा देश भुगतेगा उसको। समीर, आप इसमें कुछ ऐड करिए प्लीज। ईशा जी, इसमें दो पर्सपेक्टिव्स है। पहला ये कि अरविंद केजरीवाल इज एक्सट्रीमली इंटॉक्सिकेटेड ऑन पावर राइट नाउ। पंजाब की जीत के बाद जो मत कहते हैं ना हम उसको, वो एक लेवल के ऊपर चला गया है। और कल जो घटना हुई, आमतौर पे आप देखो तो ये केजरीवाल गलतियां बहुत कम करता है, या फिर करता है लेकिन ही हैज द आर्ट ऑफ मेकिंग श्योर नोबडी brings it out in public, और वो बहुत ट्विस्ट करता है या आसानी से किसी और पे वो धकेल देता है। ये जो कल इसने असेंबली में कहा ना, it was, I got a feeling, it could be wrong, कि opposition में अभी बहुत उथल पुथल होने वाली है 2024 को लेके, और किस मुद्दे पे होगी कि हु इज गोइंग टू बी द प्राइम कंटेंडर और एटलीस्ट परसीव्ड ऑपोजिशन फॉर मोदी जी। वो उनके सेटिस्फैक्शन के लिए, सारी देश की जनता जानती है कि मतलब इनमें किसी में भी क्षमता नहीं है इतनी, बट ये आपस में भिड़ने वाले हैं। राहुल गांधी, ममता और केजरीवाल ये फ्रंट रनर्स हैं और ये एक दूसरे को नोचने वाले हैं। तो ये केजरीवाल का एक जो हम कहते हैं ना क्लैरियन कॉल टाइप होता है, दैट वाज हिज, दैट इज व्हाट, बट इस इंटॉक्सिकेशन में जो उसने एरोगेंस के साथ जो कल वो बह गया अपनी खुद के एरोगेंस में, वो ही लॉस्ट कंट्रोल। आप मोदी को गाली दो, पीपल एक्सपेक्ट इट। आप विवेक अग्निहोत्री को गाली दो, पीपल एक्सपेक्ट इट। आप मूवी कहो कि मुझे पिक्चर अच्छी नहीं लगी, दैट ऑल्सो वुड हैव बीन यू नो, ठीक है, व्हाटएवर इट इज हिज चॉइस। बट जब आपने एक बहुत ही मतलब नरसंहार जो हम कहते हैं, एक जेनोसाइड, उसको आपने झूठ कहा, आई थिंक ये इसकी पतन का सबसे बड़ा कारण होगा। और इसके बाद भी यदि वो फिर से कोई भी इलेक्शन जीत जाता है ना, तो लानत है हम हिंदुओं पर। बिल्कुल,
मेरे हिसाब से कल इसको पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज अपार्ट, ये मतलब पॉलिटिक्स के प्रिज्म से मैं नहीं देखूंगा, 100 करोड़ हिंदुओं का इसको कल श्राप लगना चाहिए था। गलिच्छ प्राणी है, मतलब फॉर द सेक ऑफ यू नो मेंटेनिंग प्रोप्राइटी ऑन एवरी फोरम पीपल आर कंट्रोलिंग देमसेल्व्स फ्रॉम यूजिंग वर्ड्स दे वुड वांट टू यूज, क्योंकि हम उसकी लेवल पे नहीं गिरना चाहते। एब्सोल्युटली। बट कल इन लोगों ने निर्लज्जता की चरम सीमा को मतलब ये कर दिया है, दे हैव क्रॉस, दे हैव हिट रॉक बॉटम। और जैसे अनु जी ने कहा, सारा सदन हंस रहा था, वो तीन लोगों की जो तस्वीरें आई बिकॉज दे वर बिहाइंड द सीएम, बट कितनी घट ये दैट इमेज एपिटमाइजेस शेमलेसनेस, यू कैन वॉमिट लुकिंग एट दैट पिक्चर, एब्सोल्युटली डिस्गस्टिंग। आप कुछ भी क्रिटिसाइज करो बट डू नॉट मॉक द ट्रेजेडी ऑफ कश्मीरी हिंदूज ऑफ 1990, डोंट मॉक इट। इन यूरोप इट इज अ क्राइम टू डिनाई द होलोकॉस्ट, यहां डिनाइल नहीं, आप मॉक कर रहे हो, दिस इज डिस्गस्टिंग। एब्सोल्युटली। बट इन अ वे आई थिंक दैट you know how he has exposed himself yesterday, a lot of fence sitters who otherwise you know aajkal kuch verified handles bhi tweet kar rahe hain, I am happy to see Kejriwal snazzy in yellow turban wagera wagera, pata nahi BJP support karte ho to aap aise Kejriwal ko kyu support karte hain, but I think many eyes would have opened jo ab tak iski sachchai jante nahi the। इसने एक बड़ा सेल्फ गोल किया है कल, थोड़े अहंकार के फ्लो में आते आते ही वॉज प्लेइंग टू द गैलरी यू नो एंड ही गॉट कैरिड अवे विद इट, सो वी मस्ट थैंक हिम फॉर दिस एंड वी मस्ट ऑल्सो थैंक गॉड कि अरविंद का सरनेम गांधी नहीं है और केजरीवाल है, और राहुल गांधी को केजरीवाल का श्रूड ब्रेन नहीं है कि नहीं। मुझे लगता है सरस्वती उनके जिह्वा पे जाके बैठी थी, क्योंकि वो हम लोगों में कहा जाता है ना विनाश काले। हाँ, ये कलयुग का शिशुपाल है और कल शायद इसका पाप का घड़ा भर गया, कल ये कलयुग का शिशुपाल है ये बंदा। और मतलब ये स्टेटमेंट आई डोंट नो करेक्ट मी, मुझे लगता है कि कमिंग अपकमिंग इलेक्शंस में वोट बैंक के पॉलिटिक्स करने के लिए ये सारा कुछ बोला गया है, मगर ओवर हो गया है। ईशा जी, हिमाचल में इतना वोट बैंक नहीं है, आप देखिए तो गुजरात में उसको कोई पूछेगा नहीं, ही नोज हिज औकात इन गुजरात। हाँ, बट हो सकता है इज एम्बोल्डेड, लाइक आई सेड, पंजाब के रिजाउंडिंग विन के बाद ना उसको सच में लगने लगा है कि ही कैन टेक ओवर कांग्रेस स्पेस इन एवरी स्टेट वेयर कांग्रेस इज प्रिंसिपल ऑपोजिशन टू बीजेपी, बट ऐसा नहीं होगा। गुजरात इज नॉट पंजाब एंड रेस्ट ऑफ इंडिया इज नॉट पंजाब अनलेस कांग्रेस सेल्फ डिस्ट्रक्ट्स एंड डज समथिंग दैट दे डिड इन गुजरात इन पंजाब, यू नो मतलब क्या कांग्रेस का तो कल जो हुआ वो बहुत ही very very sad incident and I hope people have seen this guys, har election ke pehle is video ko chalao, har election mein is video ko chalao, har ghar mein whatsapp pe is video ko chalao aur sabko iski sachchai dikhao ki kaise hinduon ke narsanghar ko isne mazak ka subject bana ke rakha, jhoot bola ki jhooti kahani bula diya is झूठी कहानी, ये आत्ममुग्ध बौना ऐसे ही नहीं कहा गया है ना जी, के लिए फेमस है आत्ममुग्ध बौना है ये। और मुझे लगता है कि इस बयान के बाद भारत की जनता जो है विभिन्न प्रांतों की इसको इसके जो आत्ममुग्धता है उस सपने से बाहर निकालेगी और हकीकत की धरती पर लापटकेगी, मुझे पूरा विश्वास है। और अगर तो नहीं होता है तो बस हिंदू सो रहा है। सही बात है,
ऐसा ही होना चाहिए। मैं आज समय थोड़ा कम है, मगर मैं दो तीन और पॉइंट्स है जिसको लेके आप लोगों के दोनों के पास मैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू कि मुझे टाइम दीजिए, क्योंकि यू नो आई कम अक्रॉस वेरी लेस पीपल हु आर सो क्रिस्टल क्लियर अबाउट व्हाट दे से, एंड मुझे वो टॉपिक्स पे आप लोगों से बात करनी है। एंड देखते हैं नेक्स्ट वीक अगर कर सकते हैं तो नेक्स्ट वीक एक दिन हम लोग फिक्स करेंगे। तब तक मैं श्रोताओं को बोलना चाहती हूँ, पहचानिए पहचानिए प्लीज, उन लोगों को पहचानिए जो लोग नरसंहार होते हुए देखते हैं और उनके लिए स्वागत का द्वार बनाया जाता है। बंगाल में वही हुआ, और एक है व्यक्ति है जो बोलते हैं कि भाई ये झूठी कहानी है, जो आर्मी के ऊपर क्वेश्चन उठाता है। सबको पहचानिए और उनको उनका सही स्थान दिखाइए। ये दिस इज अ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी को डूबने मत दीजिए। हमारा डेमोक्रेसी बहुत वाइब्रेंट है, ऐसे लोगों को हमारी जरूरत नहीं है, हमें इनको बिल्कुल आगे नहीं बढ़ने देना चाहिए। इतना ही कह के बोलूंगी, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अनुपमा एंड समीर, थैंक यू सो मच, इट वॉज वेरी नाइस टू मीट यू।